गाइस अर्ली मॉर्निंग, बाकी शक्लें नहीं दिखाएंगे अभी हम। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कितना ठीक हो सारे? तो अज डे टू, जस्ट हूनी सो के उठे हैं थोड़ी देर पहला। उठते सारी ना ब्रश ना मूँह धोता, सारे ने पिज़्ज़ा खाया सब तो पहला। तो हूँ आप तैयार होवे थोड़ी देर तक, फिर आप चलेंगे घूम फिर। तो इन्ना गंदना देखियो बाहर का व्यू अर्ली मॉर्निंग। तो गाइस आप हो गए रेडी, हूँ जा रहे हैं आप वगैरह फूड तो घूमेंगे, फिर वधिया वधिया शूट करते हैं दिखाने हैं। चलो चले घूम फिर, थकावट हो गई सी बट मैं तैयार हो गए हैं। सो फिर हम जयगढ़ और नागढ़ फूड के लिए जा रहे हैं। सो सामान सामान सब पैक कर लिया गया है। नोटी हो रहा है डालना ना बग्गे को बैठाओ। हाँ जी किवे हो फिर तुसी? चलिए फिर घूम। चलो आप गड्डी पैक करिए, आप चलते हैं। किड़े फोर्ट जाना कुंदी? अरे भाई कुछ नाश्ता कर पहले, काम दूजा पहले, कुछ खा पी के फिर आप चलते हैं। आप रेस्टोरेंट तो जान के इतने होटल का नहीं खाता, क्योंकि यार नॉर्मल आप ही खाई था करके मैं चलो कुछ डिफरेंट करते हैं। वैसे जो होटल है साढ़ा ये मेन रोड से है, सीधी जाती दिल्ली नहीं जाती है। हाँ इतों आप यूटर्न लैके मेन अंदर चल जाना हूँ, जी पिंक सिटी हैगी जयपुर की एज यू नो। और बाकी चलो चले और आगे टेस्टी टेस्टी फूड दिखाते हैं आपको और चलते हैं। लोकेशन बताएंगे, कभी आप भी यहाँ पे आओ तो विजिट करो, घूमो फिरो, हमारा प्रोमो कोड लगा देना, बोल देना भाई की वीडियो देख के आए थे, जो भी है बढ़िया आपका ट्रीटमेंट होगा सारा। तो पहले हम पियेंगे यहाँ पे लस्सी और खाना खाते हैं। गाड़ी लगा दी पार्किंग में। तो ये देखो फ्रेश लस्सी कैसे मिलती है। ठीक थैंक यू। आगे देखते हैं पंजाबों में मिलती है सीनियर क्लासों में यहाँ कुल्लड़ में। ये शॉप है जहाँ से मैं लस्सी ली है, इतना बड़ा ग्लास है, स्वाद भी बहुत है यार। हाँ तो ये है एमआई रोड, तो यहाँ पे खाने पीने की बहुत मौज है, नॉनवेज वगैरह मिलता है, जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं खुश होके। और जो हमने कल यहाँ पे स्प्रिंग रोल वगैरह खाए थे वो थी राजा रोड, राजा गार्डन सॉरी राजा पार्क, तो वो थी। तो गाइस लस्सी ले ली है, अब यहाँ जा रहे हैं हम नाश्ता करने और ब्रेकफास्ट करके देखते क्या क्या है अंदर। कचौड़ी चेक करें, खाना पीना वधिया सी, सब कुछ स्वाद सी। हुण जा रहे फोटा वल, घूमिए फिरिए शूट करिए फोटो रीला भी, बाकी ऐड हो जाओ मेरी आई डी जो तुम ऐड नहीं हो मैं इतने मैनशन कर देंगे, मेरा नेम आ जाएगा ठीक है जी। तो बाकी करते इंजॉय, तो थोड़ा भी करवाते जयपुर के ट्रिप शुरू। देखो जी हवा महल दिन में भी चेक कर लो, जो हमने रात को यहाँ पे कलोले की है। अगर आपने मेरा पार्ट वन नहीं देखा तो देखना, यहाँ हम खड़े हो के सड़कों के वहाँ से ट्रैफिक रुकवा के स्पेशली सिर्फ फोटो ही खींच रहे हैं। लोग भी कह रहे हैं भाई क्या स्टूपिडिटी है, ठीक है चलता है कभी कभार। ओए ओए सामान भर ले, हुण जावांगे फोर्ड उत्थे करांगे पार्टी। रेड बुलां शुलां सारी चक लियां, एनर्जी नहीं घट होनी चाहिए, कंटेंट असी बनावांगे कैंट जे ठीक है।
ਹੋਲੀ ਮਾਰ ਓਏ इस व्लॉग में हम पहले जाएंगे जयगढ़, हम पहले वो कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट व्लॉग में हम नागर वगैरह जाएंगे। सो गाइस एक और चीज़ आपके लिए, कभी भी आप ऐसे ही हिली जगह पे आप गाड़ी लगाओगे ना तो हमेशा ऐसे ब्लैंक स्पॉट पर लगाना ताकि मुड़ते ही दिखिए ना। हमने तभी अपनी कार यहाँ लगाई है कि ईजिली कोई भी आए तो उसको दिख जाए। जैसे ये है, इनके से ओवरटेक भी करते हैं तो इनफ स्पेस है कि यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। और ये जगह चेक करो यार एक बारी। गाइस एक व्यू दिखाता हूँ, जरा व्यू चेक करो, तुम भी कहो यार कैसी जगह आ गया बढ़िया। और आपका जल महल कैसा लगा फिर कंटेंट? गाइस है ना, मेरे को बहुत अच्छी पहाड़ी लगी तो मैं कहा यार यहाँ से एक बार फोटो क्लिक कराते हैं और रील्स भी मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, आप ज़रूर देखना ठीक है। और टूरिस्ट स्पॉट तो ये बनी हुई है बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। बाकी यार व्यू अल्टीमेट, एक बार चेक करो पीछे पीछे, आप देख रहे हो ये पहाड़ियाँ होती ऐसी है यार कि भाई अगर आपको कुछ भी है यहाँ पर आ जाओ, आपको माइंड फ्रेश सब कुछ फ्रेश। ये ऑटो वाले भी अभी रुके हैं, कह रहे हैं सिद्धार्थ जी रुके हुए यहीं पर फोटो कराएंगे। तो यहाँ पे दो फोर्ट्स है गाइस, यहाँ पे दो टिकटें हैं अलग अलग अगर आपको कार अंदर लेके जानी है, बट वो बात कह रहे हैं कि भी चलो ले चलते कार्स तो उसकी अलग टिकट लगेगी। हैं पता नहीं क्या हो गया, कह रहा था तो दो टिकट्स लगती हैं, एक आपकी खुद की और अगर आपको कार व्हीकल अंदर लेके जानी तो व्हीकल की भी लगती है ठीक है। सो अब उसके हिसाब से दो मिनट खड़े लाइन में, एक बार देखते हैं टिकट्स मिल जाए तो गुड है। और बाकी यार व्यू ऑसम, आपने देखा ना अल्टीमेट व्यू यार, सच्ची में पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ ही हैं ऐसे, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी चलो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और फिर और इस फोर्ट के अंदर घुसते ही पार्किंग वन वे है जिसमें हमारे को पहले किसी को आने देना है फिर खुद जाना है। और पूरे फोर्ट में आप कहीं भी आराम से लगा सकते हो अपनी गाड़ी। ये ऊपर हमने सबसे पहले हम टॉप पर गए थे जहाँ पर एक जैवन आपकी तोप है, हमने वहाँ पर पहले फोटो कराई, वहाँ का कैप्चर किया, उसके बाद फिर हम नीचे नीचे आते रहे। गाड़ियाँ लगा सकते हो ऊपर लेके आके, मस्त ऑफ रोडिंग वाली फीलिंग आती है। यह है तोप कैनन, इतनी बड़ी तोप है उस समय के टाइम की। और ये फोर्ट इतनी टॉप पे है कि यहाँ से आराम से किसी पे भी एनिमी पे हम स्पाय कर सकते हैं इजीली। और एज़ पर हिस्ट्री इन्होंने ये भी बताया, जिस बंदे ने इस कैनन को एक बार ट्राई किया था फॉर टेस्टिंग कि भी भाई कभी कुछ हो जाए तो हमारे को कैसे चलानी है, तो इसके अंदर 50 केजी गन पाउडर डाला था और ये 40-45 किलोमीटर तक रेंज थी इसकी। और प्लस जिस बंदे ने इसको टेस्ट किया था ना वो बहरा हो चुका था, टोटली बहरा, क्योंकि इसका नॉइज़ इतना ज़्यादा था कि वो सह नहीं पाया, इस चीज़ को बिल्कुल बियर नहीं कर पाया, सो वो बहरा हो गया। और ये बहुत ऊपर हाइट पर है, सबसे ज़्यादा हाइट पर है ये, अब तक दुनिया की सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट है। ओ यार तेरा तो मर गया, आए ऊपर चढ़ गए। ओहो, और यहाँ से पूरा आपको जल महल दिखता है आपके बिल्कुल जस्ट सामने। और ये जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, वैसे यहाँ पे पूरी बाउंड्री की हुई है सिक्योरिटी के लिए ताकि कभी कोई बाहर से ना पाए। ये भी हमारी किस्मत है भाई जो इतने बंदे अभी तक आए नहीं है, नहीं तो इतना क्राउडेड एरिया नहीं है, जगह नहीं मिलती फोटो खींचने के लिए। और ऐसे ही ये फूड के लिए आपको एक चीज़ और चेक कराते हैं। हाँ, जो ये है ना ये छोटे छोटे होल्स, ये होल्स होते हैं ऐसे राइफल चलाने के लिए। हाँ, कोई स्पाई कर रहा है, कोई आ रहा है वहाँ से तो गोली चलाने के लिए होते भाई ठीक है। बाकी फोर्ट देखो, और इस प्रॉपर फोर्ट को कवर करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली हमारे को 1 से 1.5 घंटा लग गया था और हम बिल्कुल स्लो एंड स्टडी चल रहे थे एकदम आराम से, क्योंकि ये दो फोर्ट, यहाँ पे तीन फोर्ट हैं बेसिकली ना, एक ये जो भी हम कवर कर, तो उसमें बहुत ट्रैवलिंग में टाइम लगता है इधर उधर। आप गाड़ी में भी कन्वीनियंट है, आप कहीं भी लेके जा सकते हो अपना आराम से, आप वहाँ पर गाड़ी लगा दो पार्किंग में और उसके बाद आप ट्रैवल करो। जैसे ये एक्सपोजर देखो आप, कैसी एक विंडो सी बनी, जैसे उससे बाहर देखो। अब जा रहे हैं दूसरे फोर्ट, तो कार यहाँ से पार्किंग भी थोड़ी लगाई हुई थी, निकाल लेते हैं फिर यहाँ से ले जाते हैं। एक इन्होंने ये भी अच्छा किया हुआ कि भी आप अपनी व्हीकल लेके आ सकते हो ऊपर तक, बिकॉज यहाँ पे जो दो फोर्ट्स है ना, एक गवर्नमेंट के अंडर है एक प्राइवेट में है, तो जैसे प्राइवेट है यहाँ तो पार्किंग का कोई इशू नहीं, आप लेके आ जाओ। जो गवर्नमेंट के हैं उनके लिए आप नीचे पार्किंग स्पेस है, आप वहीं पर लगा सकते हो, ऊपर नहीं ला सकते, तो ठीक है फ़ायदा उठाओ।
गाइस वहां से हम आ गए हैं, कार यहां लगा दी है। अब ये खाने पीने का सिस्टम चेक करो यार, ये इसी का ही पार्ट है, इसी फूड का पार्ट है ये, इसे साथ वाला है। नाश्ता पानी हमने कर लिया, स्नैक्स लेके आ गए थे, हमने स्नैक्स खाए हैं, पेप्सी वगैरह पिया, माहौल ठंडा हो गया पूरा। अब चलते हैं अंदर को और बाकी का जो रह गया उसको कवर करते हैं। वो लंगूर देखो, वो पूछे देखो इस बंदर की। वो अच्छा नहीं लगता ऐसे जानवर को ना बेचारे, कोई ऐसे करे कैमल को, तो इस वजह से। बाकी मैंने फोटो वगैरह करा लिया, फोटो अच्छी आई है, वो भी अपलोड करेंगे अभी देखना, और बढ़िया। बाकी अभी चलते अंदर और आपको भी दिखाते सारा। सो यहाँ से फोटो, तो यहाँ चलते हैं अंदर और छोटा सा म्यूजियम टाइप है, म्यूजियम देखते हैं। यहाँ पे ड्रेसेस भी मिल रही है, जैसे यहाँ के ओरिजिनल है, अगर आपको राजस्थानी वो कपड़े से पहनने हैं, पगड़ी पहननी है उनकी, उनके कल्चर की चीज़ें हैं। उस टाइम के नगाड़े जब सोल्जर्स बजाते होते थे, जो पुराने राजस्थान के जो राजे होते थे उनकी अपनी कलेक्शन थी सोल्जर्स की, शील्ड हो गए, नगाड़े हो गए, पिस्टल्स हो गई। ये इनका गिली सूट पबजी वालों का। फ्लेयर गन। सो ये बेसिकली ये सारा कुछ अंदर था, ये इनके खुद के जब ये महाराजे वगैरह होते थे, कैसे वो युद्ध वगैरह के लिए अपने शिरॉड्स वगैरह उनकी खुद की हो गई, और जैसे इनकी बंदूकें हो गई स्पेशली हर टाइप की, छोटी उनकी पर्सनल पिस्टल्स जो थी वो भी अंदर रखी हुई थी, जो मैंने आपको शो करी है। कैनन फाउंड्री एरिया। सो यहाँ देखते हैं क्या है इस एरिया में, है क्या वैसे बुग्गे? वो है कारखाना टोपे वोपो का। हाँ यस। सो गाइस आप देख रहे हैं जयपुर में पूरे पूरे मजे हो रही है, द सिटी ऑफ पिंक है ना। तो यहाँ पे ये है कि बहुत बढ़िया है, सो गुड सो फार अभी तक चल रहा है, और मज़ा आ रहा है, घूम रहे हैं, अच्छे भी खा रहे हैं। आपको सारा कुछ अपडेट में कर रहा हूँ, कैसी चीज़ें होनी चाहिए कैसे नहीं। सो कभी प्लानिंग करनी हो आपको भी मस्ट रिकमेंड है आना यहाँ पे, कुछ चाहिए होगा मैं आपको बता दूंगा इन्फॉर्मेशन। इंस्टाग्राम पे ऐड हो जाना, इंस्टा आई मेरी, और आज वैसे भी हमारा एपिसोड का पार्ट टू है, जो कि नेक्स्ट डे हमारा सेकेंड डे, थर्ड डे ही हम कल दोबारा शूट करेंगे एंड देन फिर जाएंगे घर को। थ्री डे ऑफ प्लानिंग थी हमारी ट्रिप की, और आई थिंक ये बहुत बढ़िया चल रही हुई, तो सही लग रहा हूँ वैसे आज एज ऑलवेज। तो चलो चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं फिर। अच्छा ये देखो, उस टाइम पे जैसे फाउंडेशन वगैरह इस चीज़ की बनती थी, ऐसे ही क्या कह रहा है। और ये टायर सिटी आप देख सकते हो भाई, जयपुर। दिस इज रेवन बीट्स। और ये देखो पूरी सिटी दिख रही है आपको, यहाँ से पूरा शहर। आगे ये वाले बिट कटर लगते हैं जो कि अलॉय के बने हुए हैं, जो 8 मेटल होता है ना। गोल वाला हार्ड। ओके। और इसमें सोल्जर्स के पैड है, उन्हीं के पिल्लो वगैरह है, नीचे के बाजे उठे, हाथ से चलाए जाने वाले मैनुअल पंखे सामने दीवार पे लगे हुए हैं। ओह ये सभी 1720 1720 के हैं। ओके। और जो अभी की डिप्टी सीएम है उनके लड़के हैं ना पद्मन आपसे, उनके अंदर रहते हैं। ओके। हाँ वो सामने देखा था। 1720 में टेस्टिंग के लिए फायर किया गया था। ओके। 100 केजी गन पाउडर, 50 केजी आयरन बोल्ट डाल करके, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाकर उसका गोला गिरा था, 400 चौके डाली। वो तेरी। उसको फायर करने के लिए पहले वाले बोर्ड में फायर आएंगे। अच्छा, जो ये टूल्स यूज हुए थे इसके अंदर, उसको फायर करने के लिए टूल्स यूज होते थे, उसको असेंबल और डिसअसेंबल करने के लिए सेकंड वाले बोर्ड में उसके टूल्स वगैरह है, उसको बनाया यहाँ से गया, पार्ट्स में लेके गए यहाँ से। ओके। वो एक ही टाइम चली है ना अभी तक टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए। चलाने वाला सैनिक ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया था उसके साउंड की वजह से, इसलिए दोबारा उसको यूज ही नहीं किया गया। ओके। वो कैनल पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, 1885 में उसको दोबारा बनाया गया। ओके।
यहाँ पर इसकी रोप्स रखी हुई है, इस रस्सी से उस कैनल के पार्ट्स को खींच कर लेके गए जिसमें वो कह रहे थे हाथियों को यूज किया गया है सारा कुछ। यही रोप यूज, यही ये हैंडमेड है, हाथ से बनाई गई, कारपेंटर के टूल्स हैं। अच्छा, और ये बोर्ड आपने देखा ना पूरा, तो इसको बनने में 700 साल लगे थे। 700 साल हां, और 27 जनरेशन लगी इसको बनाने में। रूम है ना सारे, दो दो। हाँ ये मैंने देखा, ये किस चीज के लिए होता है बेसिकली? हाँ भट्टी, भट्टी भट्टी, तो जो मिट्टी का बनाया गया सांचा है। हाँ। वो सांचे को यहाँ पे खड़ा करते थे। ओके। खड़ा करने के बाद में जो एट मेटल है वो फर्स्ट पार्ट में डलता है, मेटल मेल्ट होकर के यहाँ से बाहर, इसके यहाँ से मिट्टी के शेप में स्टोर होता है। ठीक है, तो शेप को ऊपर पुल अप करके शेप को डिस्ट्रॉय करके बैरल वहाँ ले जाकर ड्रिल होता था। इसको हीट वगैरह फर्स्ट पार्ट से देते थे, यहाँ पर मेटल डाला जाता था, मेटल यहीं से मेल्ट होकर के छोटे छोटे जो होल बने हुए ना इनसे डाउन जाके सेकंड पार्ट में जाता है। इसको हीट वगैरह देने के लिए लकड़ियों को नीचे भट्टी होगी ना इसकी, ये भट्टी है। तो ये यहाँ से 1500-1600 डिग्री के टेम्परेचर वर्क करती थी, डाउन टेम्परेचर 500 होता था। और यहाँ का जो वर्कर होता है ना वो यहाँ खड़ा रहता था पानी के इस होल में काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसके अंदर खड़ा था, तभी सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो जल जाएगा बेचारा। अच्छा, ये पानी का होता था, करेक्ट। तो ये सोल्जर्स की हाइट के अकॉर्डिंग बनाया गया था, 7 फीट था डाउन में, अभी तो हाफली बंद है। हाफ बंद हो गया वो। ठीक है, थैंक यू भैया। आपका नाम? गोपाल। गोपाल, थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये स्टाफ था इनका यहाँ पे, मतलब एक गाइड दी थे यहाँ पे, अगर आपको गाइड भी चाहिए वो भी मिल जाते हैं 100-100 रुपये, मतलब कहते हैं वो आप 100 रुपीज़ दे दो आपको पूरा समझा देंगे, बट हमने कहा नहीं, ठीक है, इनको नॉलेज थी, आए हुए थे पहले भी दोस्त, तो इनको इन्होंने देखा मैं ब्लॉग वगैरह बना रहा हूँ, तो इन्होंने कहा चलो आपको बता देते थोड़ा सा, फिर इसने पूरा एक्सप्लेन किया सारा कुछ, ये वो ऐसे है, काफ़ी टाइम से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, 8-10 साल से उन्होंने, गुड है, तो वही सारा कुछ समझा रहे थे कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, अच्छे से गाइड कर रहे थे, चलो बढ़िया। बाकी अब जब हम जा रहे हैं भूल भुलैया साइड, जो एक मूवी में शूटिंग हुई थी, और वो ऐसे मेज़ बना हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ से एक लास्ट का व्यू है उसको कैप्चर करते हैं फटाफट से। बिहान, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हें वॉशरूम जाना है। ये है मेज, यहाँ पे ऐसे आपको खिड़कियाँ बहुत सारी मिल जाएगी देखने को, जिसमें लोग फोटो करा रहे हैं, अभी हम भी कराएंगे वहाँ से। सो वो मेज सा ख़त्म, जस्ट बाहर आए हैं, तो ऐसा पहुँच जाते गाइस, ये जेल है, हमारे जैसे कैदियों को यहाँ पे कैद कर लेते थे, फिर दूसरे दिन रिहा कर देते क्योंकि भाई जिलने लगता था इनका, वो कहते तबाही मचाई हुई है। गाइस ये यहाँ का मुगल गार्डन, ये हमारे लिए नहीं है, ये बंद ही रहता ज़्यादातर। सो गाइस, इतनी वीडियोस बनाई है ना मैंने 4K में, मेरी मेमोरी भर गई थी फ़ोन की, जबकि 256 GB है आईफोन तब भी। अब चलो जल्दी से इसको कवर करते हैं और सेकंड फोर चलते हैं।